क्या कुछ कहना चाहेंगे, लाइट बिल जो बढ़ा हुआ है और आज जगह जगह, आज पूरे मुंबई में कम से कम 20 से 25 जगह बड़े पैमाने पे लोग विरोध कर रहे हैं इसका, बढ़े हुए बिजली का बिल का। ऐसे पैंडेमिक माहौल में लोग जी रहे हैं, नौकरियां चली गई है, लोग कैसे कैसे अपने हालात गुजार रहे हैं लोग, और ऐसे में लाइट बिल बढ़ जाना, क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने फिर जो पहले कहा था वो बात को फिर रिपीट करूँगी, ये लोकतंत्र देश है, इसको लोग चलाते हैं, यहाँ पे किंगडम नहीं, किसी राजा का राज नहीं चलता है। लोगों को क्या लगता है, लोग मेजॉरिटी में क्या बोल रहे हैं उनको सुनना इस देश के कानून का काम है। पेंडेमिक जैसी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हर किसी ने, अरे लोगों के घर के खाने के वादे हो गए, लोगों के रेंट भरने के वादे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के वादे हो गए, यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियों की बैंड बज गई, जिनके पास 10-10 गाड़ी थी आज वो एक एक सिंगल सिंगल गाड़ी पर आके खड़े हो गए। इतना मुश्किल का समय, अगर गवर्नमेंट कम से कम जो बिजली का बिल जो कि उनके हाथ में है वो माफ़ नहीं करवा सकती, तो ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत हिंदुस्तान को नहीं है। हिंदुस्तान को वैसी गवर्नमेंट चाहिए जो गरीबों के बारे में सोचे, गरीबों के लिए सोचे, ना कि गरीबों को दबाने के बारे में सोचे। अगर देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो केस हुआ है उसमें सामने वाले को उसने इतना प्रेशराइज किया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, करेक्ट? तो अगर हमारा देश का कानून इस तरीके से जबरन उनको बिल भरने पर मजबूर करता है, खुदा ना खास्ता जो गरीब लोग हैं उन्होंने प्रेशर में आके खुद को कुछ किया। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, मैं खुद एक डिप्रेशन की बड़ी शिकार हूँ, डिप्रेशन इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है और हर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो अपने हाथ पैर मार ले। वो बोलते हैं ना, समुंदर के तूफान के वक्त वो तैर ले और वो जीत ले, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं जिनको रोज़मर्रा कमा के खाना है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इसके हिसाब से देश का कानून साथ नहीं देगा तो वायलेंस ही बढ़ेगी। ऐसे फिर ऐसे देश के कानून में चेंजेस होने चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम सरकार बदलना चाहिए। कुछ नहीं कर सकती जनता, सरकार तो बदल सकती है, ये तो अपने हाथ में है। वोट देना तो आज भी जनता के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट को बदल दो, री इलेक्शन कराओ, री इलेक्शन होने के बाद में जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से लाइट का बिल पे किया जाएगा। करो री इलेक्शन, उठाओ पूरे देश की जनता आवाज़ कि री इलेक्शन होना चाहिए। पेंडेमिक में आप नौकरियां नहीं दिला पा रहे, जो नौकरियां जिनके पास थी उनकी छूट गई, 50% छूट गई। मैं मेरे खुद के स्टाफ को 60-70% यही सैलरी दे रही हूँ मैं, जब से लॉकडाउन हुआ जब से अब तक, क्योंकि हम किसी को भी निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन वो इनकम ही नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, इनकम तो दूर की बात है, रेवेन्यू मेंटेनेंस बेयर नहीं हो पा रहा है। कल किसी पुलिस कर्मचारी ने मेरे पीए को पूछा कि मैडम को फंडिंग कहाँ से मिलती है, मैं मेरे ट्रस्ट के ना अकाउंट डिटेल्स डाल रही हूँ। प्लीज़ यार, इन सवालों से मैं तंग आ गई हूँ। वाकई में अगर दुनिया में, देश में लोग दान करने का दिल रखते हैं, जो सोचते हैं कि गरीबों की मदद करना है, हमको अपना ज़कात फितरा सदका निकालना चाहिए, मुसलमानों की बात कर रही हूँ, जो बाकी वर्ल्ड वाइड जो डोनेशन पे बिलीव करते हैं, मैं अपना अकाउंट नंबर शेयर करने वाली हूँ, चेक कर लेना उसमें कितने रुपए हैं। और प्लीज़, अगर वाकई में आप अच्छे इंसान हो जो डोनेट करने का सोचते हो और आप अच्छे पुलिस कर्मचारी हो, भले ही आपकी पगार 35,000 हो, कुछ नहीं, 3500 रुपया साल में एक बार तो भी डोनेट करो। हमारे मुंबई में जितने कर्मचारी हैं पुलिस के, हिंदुस्तान में जितने कर्मचारी हैं, अगर वो अपनी पर मंथ सैलरी का 5% भी साल में एक बार हेल्थकेयर फाउंडेशन को डोनेट करेंगे, तो वाकई में हेल्थकेयर फाउंडेशन को लेकर मैं हिंदुस्तान के हर एक कोने में तकलीफ दूर करने का काम बिना किसी के डर के और बिना किसी झिझक के कंप्लीट करूँगी।